नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आपको एक नई औषधि की जानकारी देना चाहता हूं, जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा का मतलब यह है घोड़े जैसी गंध। ऐसी औषधि जिसकी गंध घोड़े जैसी हो उसे अश्वगंधा कहते हैं। इसे इंडियन जेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पंसारी के यहाँ आपको अश्वगंधा लकड़ी के रूप में, छोटी छोटी लकड़ी के रूप में मिल जाएगा। इसे आप यूज कर सकते हैं। इसे घर पर लाकर आप चूड़ बनाकर यूज कर सकते हैं। मार्केट में इसका बना बनाया चूड़ अलग अलग कंपनियों का उपलब्ध है। सीरप फार्म में भी ये मार्केट में उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। कैप्सूल फार्म में बहुत सारी कंपनियों का है, आप इसे ले सकते हैं। यह अश्वगंधा आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, अगर वो बार बार अनिद्रा हो, बार बार तनाव में रहता हो, तभी उस व्यक्ति को आप दीजिए। आपके नर्वस सिस्टम को, दिमागी सिस्टम को पूरी तरीके से मजबूत करता है। इसके साथ साथ ये नपुंसकता में भी, अगर किसी को धात की समस्या हो तब भी अश्वगंधा चूर्ण ले सकता है। आपको अगर स्टैमिना बढ़ाना हो, स्पर्म काउंट बढ़ाना हो, शक्तिवर्धक है, थकान को दूर करता है, आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। धातुवर्धक है। अगर इसे लेने का तरीका यह है कि इस अश्वगंधा चूर्ण को आप एक चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं, या आप दूध में डालकर भी मिश्री के साथ या चीनी के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही कारगर औषधि है। बस इसे हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देना है, और गठिया बात वाले को भी देना है। ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जिनकी बीपी लो है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप अश्वगंधा चूर्ण का यूज करिए और अपने स्टेमिना को बढ़ाइए, पावर को बढ़ाइए, दिमागी शक्ति को बढ़ाइए, चुस्त और दुरुस्त रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।